बुलंदशहर पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। एक गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता भी हासिल की है, जिसके पास से तकरीबन 1 करोड़ की कीमत का गांजा मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। फिल्मी अंदाज में गांजा तस्करी कर ले जाते हुए खुर्जा देहात पुलिस ने उस वक्त यह हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि जिस ट्रक में मक्का भरा हुआ है उसमें गांजे की इतनी बड़ी खेप ले जाई जा रही है। रात्रि समय करीब 2 बजे खुर्जा देहात पुलिस SHO आनंदवीर मलिक मैफोर्स के चेकिंग में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना मिलती है कि 10 टायर ट्रक जिसमें मक्का के नीचे गांजा ले जाया जा रहा है। बस पुलिस अलर्ट हो गई और ट्रक को आते ही रुकने का इशारा किया। इसी दौरान 2 छात्र भागने में कामयाब भी हो गए, जबकि 1 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और SSP संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि 9.5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। ट्रक में मक्का भरी हुई थी जो कि उड़ीसा से आ रहा था। पुलिस द्वारा बताया गया है कि यह एक बड़ा गिरोह है जो जगह जगह बड़े पैमाने पर गांजा सप्लाई करता है। वहीं पकड़े गए शातिर को पुलिस ने जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खुर्जा से खबर तहकीकात के लिए कदीम खान की रिपोर्ट। लेकिन बीती रात एक चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लगभग 9.5 क्विंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, एक ट्रक जिसमें मक्का लदा हुआ था और उड़ीसा से आ रहा था, हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, उसी के आधार पर चेकिंग के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। गांजे की बरामदगी की गई है। एक अभियुक्त जो उस ट्रक का सहचालक है वो गिरफ्तार हुआ है। 2 भागने में सफल रहे हैं, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। यह बिल्कुल अंतर राज्यीय स्तर का एक गिरोह है जो उड़ीसा से गांजा ला करके दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सप्लाई करता है। सर पहले भी मुकदमा दर्ज है इस तरह के? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इनका मिल नहीं पाया है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही शातिर गैंग है और मक्के के ट्रक में गांजे को छुपा करके ला रहा है। अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको एक क्लिक पर। यदि आपको जरूरत है इलेक्ट्रीशियन, कार मैकेनिक, पेंटर, डॉक्टर, प्लंबर की, तो सीधे जाइए gdsquare.com की वेबसाइट पर, जहां आपको मिलेंगे इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर। उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। तो याद रहे, आपकी सभी समस्याओं के समाधान का एक ही प्लेटफॉर्म gdsquare.com। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।